एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने थे। पिछली बार भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था, लेकिन इस बार ऐसा करने से चूक गई। भारत की अच्छी शुरुआत और स्कोर बोर्ड पर सम्मानजनक स्कोर होने के बावजूद टीम इंडिया हार गई। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी, हालांकि उसके बाद एक एक करके विकेट गिरते गए, लेकिन विराट कोहली ने एक छोर को संभाले रखा और भारत को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा जो डिफेंड किया जा सकता था, मगर फिर भी भारत की झोली में हार आई। आइए जानते हैं इस हार के पीछे की वजह क्या रही और इसके जिम्मेदार कौन थे। भारत की हार का सबसे पहला कारण रहा 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह का आसिफ अली का आसान सा कैच छोड़ना। ये कैच पाकिस्तान के लिए संजीवनी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद आसिफ ने कई बड़े शॉट्स लगाकर भारत से जीत छीन ली। इसके अलावा हार की एक बड़ी वजह रही भुवनेश्वर कुमार का 19वां ओवर, जो काफ़ी महंगा साबित हुआ। इस ओवर में भुवनेश्वर ने 19 रन दिए और भारत के हाथ से मैच फिसल गया। साथ ही कल हुए मुकाबले में टॉस का भी अहम रोल था। रोहित शर्मा के टॉस हारने की वजह से भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, हालांकि वे पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। टीम इंडिया के हार का जिम्मेदार ओस भी रहा। सेकेंड इनिंग में ओस ने भारतीय गेंदबाजों को काफ़ी परेशान किया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इसका खूब फायदा उठाया। अगर बात बल्लेबाजों की करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसके अलावा बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक था। आने वाले मैचों की बात करें तो भारतीय टीम 6 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी और 8 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी।